यमुनानगर में इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी दत्ता के निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो सुप्रीम ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पर फतेहाबाद में रैली होगी, जिसमें देश के सभी विपक्षी दलों के अग्रणी नेता मंच पर मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से तीसरे मोर्चे का गठन होगा, जो वर्तमान में धर्म जात पात के नाम पर हो रही लूट को समाप्त करेगा। जेजीपी के इनेलो में विलय को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में इनेलो सुप्रीमो ने की जो लोग गुमराह होकर बहकावे में आकर अथवा रास्ता भटक गए हैं, उन्हें शामिल किया जा सकता है, लेकिन गद्दार लोगों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद रैली के बाद आदमपुर उपचुनाव घोषित होगा, जिसमें INLD प्रत्याशी की विजय होगी। पंचायती चुनाव को लेकर इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि इनेलो अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि यह हालात और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई समान विचारधारा वाला दल अगर इनेलो से समझता है, कोई समान विचारधारा वाला दल अगर इनेलो से समझौता करना चाहेगा, तो परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। सरकार बनने के बाद वृद्धावस्था पेंशन की किसी की काटी गई है, हम उसको मई ब्याज के पैसा उसके घर भिजवा और पेंशन और बढ़ाए। और ये पेंशन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर चौधरी देवीलाल की बनाई गई। मैं आपको थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा। चौधरी देवीलाल जी व्यवहारिक आधार पर निर्णय लिया करते थे बतौर मुख्यमंत्री के, और जब कभी टूर पे जाते थे सिक्योरिटी वाले उनको ढूंढते रहते थे, वो अपने हिसाब से सीधे लोगों में चले जाते। गांव का आदमी था, गांव में जा करते एक गांव में गए, एक आदमी गांव के बाहर खाट पे सोया हुआ था, धूप सेक रहा। चौधरी देवीलाल जी ने गाड़ी रोक करके उससे पूछा क्या हालत है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। चौधरी साहब ने पलट के पूछा क्या दिक्कत क्या है, कहने लगे मेरी लड़की आज ससुराल जा रही है और मेरी जेब में एक नया पैसा भी उसको देने के लिए नहीं। चौधरी देवीलाल जी ने उसी दिन से शोर पर भावार वृद्धावस्था पेंशन दी। और फिर हमारी जो जो सरकार बनती गई, हम उस पेंशन को बढ़ाते चले। आज उस पेंशन को अगर कोई काटते हैं तो उसकी पीड़ा होगी। उसी हिसाब से जब कभी किसी गांव में जाते हैं, मोहल्ले में भी जाते, एक गांव में वो हरिजनों के मोहल्ले में गए हुए थे, बारिश बरस रही थी, लोग भीग रहे थे। चौधरी साहब ने पूछा रे बारिश से ये तो भीग रहे हो, उन्होंने कहा हम क्या करें, हम तो बराती हैं, लड़की वाला कहीं ठहराएगा वही ठहरेंगे। हम गरीब चुमार पे वाल्मीकि पे धानक पे तो गई होती नहीं। उसी दिन चौधरी साहब ने वही अनाउंस किया कि गांव गांव में हरिजन चौपाल बनाई जाए। अब फिर बैकवर्ड जाति के लोगों ने जब डिमांड रखी तो फिर उनकी भी बनाने का काम किया। चौपालें जो बनी उनमें बाद में जरूरत के मुताबिक मुड्डे कुर्सियां और चारपाइयां भी लगाई गई। फेम है काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। और इस बीच के अरसे में बहुत राजनीतिक परिवर्तन आए, उस मामले में आपकी आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है। आप कोई प्रश्न पूछे इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इन हालात में आप लोगों की अहम भूमिका है। इस बिगड़े हुए माहौल को कैसे ठीक किया जाए, ये किसी व्यक्ति विशेष की मुश्किल बात नहीं, पत्रकार जगत की विशेष जिम्मेवारी। आपने जो कुछ मुझसे पूछना हो पूछिए,
मैं नहीं समझ पाया कि हमने किस कैंडिडेट का समर्थन किया। अभय चौटाला जी ने उनका समर्थन किया? नहीं, हमारा तो विधानसभा में एक ही विधायक है और उसका वोट व्यक्तिगत सोच के तहत उसने किसी को दिया हो, पार्टी के लेवल पे हमारा कोई ऐसा निर्णय नहीं था। सर, मैं थोड़ा सा आपको अतीत में ले जाऊं। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है, सैर सपाटे के लिए नहीं, हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं गया। उन मुल्कों में जाकर के मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ सभी धर्म, मजहब और जात के लोग आपसी प्रेम, प्यार, भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब मिलकर के प्रेम से मनाया करते हैं। बीच में स्वार्थी लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए इस देश में जात पात का जहर फैला, देश को बांटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही। जेल से रिहा होने के बाद सर्वप्रथम मैं उन साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए गया था जो गर्मी, सर्दी, बारिश की परवाह किए बिना दृढ़ निश्चय के साथ इस देश में किसान के विरोध में बढ़ाए गए 3 गलत कानून को वापस सरकार ले, इस बात के लिए दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर बैठे हुए। इस रूप से एक बात देखने को मिली कि नाम का तो ये किसान आंदोलन था, लेकिन इसमें सब धर्म और मजहब के लोग बैठे हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समाज, धानक, वाल्मीकि, रेकर, खटीक, खाती, कुम्हार, लुहार, मणिहार, सुनार, दुकानदार, व्यापारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, इस 36 जात के लोग इस आंदोलन में बैठे हुए। इससे हमें एक हौसला मिलता है कि लोगों ने इस 36 कुशासन का अंत करने का मन बढ़ा लिया, क्योंकि इस सरकार में आम नागरिक को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। मैं आपसे एक अपील जरूर करूंगा कि आपको जब भी अवसर मिले सत्ता पक्ष के लोगों से एक प्रश्न जरूर पूछ लें कि 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो सरकार के खजाने में हमने 2,000 करोड़ से अधिक रुपया छोड़ा था और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2,50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लग रही, सड़कें जो टूट गई उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में दवाई और बेड नहीं है, डॉक्टर तक नहीं, बिजली और पानी का अभाव है, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं, वृद्धावस्था पेंशन समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है, कस्टोडियन की भूमि, पंचायत की लैंड को ये सरकार हड़पना चाहती है कोर्ट में जाकर। तो आप उनसे एक ही बात पूछना कि 2,50,000 करोड़ का कर्जा किस बात का है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।